जिंदाबाद 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 एसटीपीए जिंदाबाद टू बीमी सलाती मरुस्तापी से टू बीमी सलाती मरुस्तापी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे रियासत भर में 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जो है ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन का मकसद जो है टूबी रिजर्वेशन को बहाल करना और 8% तक बढ़ा करके देना, ये हमारी डिमांड है। उसके साथ जो है कांताराज जो रिपोर्ट है उसके उस पर इम्प्लीमेंट करने की हमारी डिमांड है। कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे कांग्रेस सरकार अब उसे भुला दिए। जैसी हुकूमत में आ गई है सरकार जो है गहरी नींद सो रही है, उसे अपने वादे याद नहीं है। तो हम शोर गुल करके जो है जगाना चाहते हैं कांग्रेस सरकार को और ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो है जो मिसलाती जो हमारा जो रिजर्वेशन का जो वादा किया था उसका क्या हुआ। तो बेलगाम ज़िले के सारे हमारे कैडर्स जो है इस मुतालबे को आज सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जो है डीसी कंपाउंड में हम लोग धरना कर रहे हैं और डीसी साहब को हम मेमोरेंडम दे करके इस बात को सीएम तक पहुंचाकर जो है इस उनके किए हुए वादे को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह जो कांताराज कमीशन रिपोर्ट है इसे हमारा जो मुताबला है कि इसे लागू करें। ऑलरेडी रिपोर्ट सरकार के पास चले गई है। क्यों बोले तो जो मुस्लिम कम्युनिटी का 92% वोट शेयरिंग कांग्रेस को चला गया और कांग्रेस का जो है ने फुल मैंडेट में 136 MLA जीत को आए, पूरा पावर उनके पास मिला है। और इन्होंने जो है तो फर्स्ट कैबिनेट में टू बी रिजर्वेशन रिस्टोर कर तुम कर को बोले थे। हमारा ये SBPI के तरफ से ये क्या हम्बल रिक्वेस्ट है बोले तो जो टू बी रिजर्वेशन 4% है ने उसको रिस्टोर कर कर 8% बढ़ाया जाए। जो कांताराज कमीशन रिपोर्ट है अगर ये बढ़ाएंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी इकोनॉमिकली बाद में सोशली एजुकेशनली पॉलिटिकली बहुत पिछड़ा है, बैकवर्ड है। अगर ये लोग कांताराज कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले दिन में हमारे कम्युनिटी से जिस तरह हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे और APG अब्दुल कलाम थे मिसाइल मैन, फिर से हमें दे सकती इस इंडिया कंट्री को। देखो आज हमारा जो पूरी दुनिया में क्या चल रहा, डेवलपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका सुपर पावर है, फिर मोदी जी बोल रहे हैं हमें सुपर पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है। अगर आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी को भी आप ये रिजर्वेशन देंगे तो इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी भी पढ़ेंगे, हमारी कम्युनिटी भी सोशल रेस से पावर होगा, हमारी कम्युनिटी भी पॉलिटिकली पावर बनेंगे। तो ये जो हमारे इंडिया के लिए बहुत मजबूत हो जाता, इससे रेसो हमारा इंडिया विश्व गुरु बन सकता, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, जय भीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमारे यहाँ पर जमा होने का मकसद, हमारे जो डिमांड्स लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, SDPI पार्टी ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे दो डिमांड्स हैं और हमारी पार्टी ने पूरे कर्नाटक स्टेट में रियासती लेवल पे एहतजाज का कैंपेन चलाया है। हमारे एहतजाज धरना प्रदर्शन 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक चलेंगे। इन 5 दिनों के दरमियान मुख्तलिफ अजला में ऐसे प्रोटेस्ट रखे गए हैं। तो हमारे दो डिमांड्स हैं, एक जो है टू बी रिजर्वेशन को जो फैसिस्ट गवर्नमेंट BJP गवर्नमेंट ने निकाल दिया था, कैंसिल किया था, उसको वापस रिस्टोर किया जाए। और उसके साथ साथ टू बी रिजर्वेशन में जो 4% हमारा जो मुस्लिम टू बी रिजर्वेशन था उसको बढ़ाकर 8% कर किया जाए। और इसी के साथ साथ कांताराज आयोग जो कमीशन बिठाया गया था
ये कांग्रेस और जेडीएस की कोलिशन गवर्नमेंट थी उस वक्त बनाया गया था। इसमें 165 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ नहीं, 165 करोड़ रुपया खर्च करके ये पूरा रिपोर्ट पूरे स्टेट से बनाया गया था। और इस कांतराज आयोग रिपोर्ट में सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं, पूरे कर्नाटक में रहने वाले 160 जातियों के उनकी गिनती की गई थी, जनगणना की गई थी। उस एतबार से उसमें हर एक कास्ट के बारे में उनकी इस कांतराज आयोग रिपोर्ट में सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट है। तो हर एक रिपोर्ट अब तक के जितने भी कमीशन बिठाए गए, हर कमीशन में जो है ये साइंटिफिकली उन्होंने रिपोर्ट दी है कि मुस्लिम जो है पॉलिटिकली, सोशियली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है बोलकर। तो आप लोग अगर गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, हम एड्रेस उनसे कर रहे हैं, अगर आप लोग कांतराज आयोग को लागू करेंगे, जारी करेंगे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक मेरी एज ए पॉलिटिशियन आपके लिए सलाह है, आपके लिए राय है, ओपिनियन है कि इससे आपको कर्नाटक की जनता और आपको जो है सपोर्ट करेगी। इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसमें 160 जाति के जितने लोग कर्नाटका में रहते हैं उन सब के लिए, उन सब की अभिवृद्धि के लिए इसमें रिपोर्ट पेश है। लेकिन पता नहीं आप किन वजूहात की वजह से इसको पब्लिश नहीं करना चाह रहे, जारी करना नहीं चाह रहे। आपके पीछे जरूर कोई प्रेशर होगा। और जहां तक हमें बताया गया, जहां तक हमें सुनने मिला है कि कांग्रेस के पार्टी वाले मौजूदा सरकार, कर्नाटक की गवर्नमेंट ये सोच रहे हैं कि सामने जो है असेंबली के इलेक्शन से, सॉरी असेंबली लोकसभा के इलेक्शन से, उन इलेक्शन में अगर इस वक्त हम मुसलमानों का मुद्दा उठाएंगे तो हमें हिंदू वोटर्स का जो है बहुत बड़ा वहां से हमें किकबैक मिलेगा। आप यहां पर गलती कर रहे हैं। ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो है उनका बनाया हुआ संविधान है। यहाँ पर कोई हिंदू, ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू मुस्लिम जाति से नहीं चलता। अगर यहाँ पर आप मुस्लिम्स के लिए कुछ काम करेंगे तो हमारे हिंदू भाई नाराज नहीं होंगे। ये टोटल हिंदुस्तान के लिए जो है डेवलपमेंट के लिए फायदेमंद रहेगा। ये हम दो डिमांड्स लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। हम हमारे मौजूदा सीएम साहब सिद्धरामैया से ये आजीज गुजारिश करते हैं, हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे दोनों डिमांड्स टू बी रिजर्वेशन को लागू करें, 4% से 8% करें, और कांतराज आयोग है उसको जो है पब्लिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Zindabad!
कर्नाटक में रहने वाले 160 कास्ट के लोगों के उनके हुकूक उन तक पहुंचाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तो आप सब लोग बखूबी जानते हैं, करो तुम मेहरबानी अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे परी पर। तो यहां पे हमारे लिए कांग्रेस गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में क्या था, अगर हम लोग इक्तदार में आएंगे पहली रेस को मैनिफेस्टो में टू बी रिजर्वेशन को रिस्टोर कर तुम कर बोले थे। क्या हुआ क्या? नहीं। क्या हुआ क्या? नहीं। फिर हम लोग क्या करना चाहिए? हमारा हक छीन कर लेना चाहिए। इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह।